आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पालक पनीर। पालक पनीर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और हरी हरी सब्जियां खाना हर किसी की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। तो आज हम एकदम मुंह में घुल जाने वाला लबाबदार पालक पनीर बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो होता ही है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। और इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, एकदम पालक का जो कलर होता है हरा, अगर हम उबालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, लेकिन ऐसा का ऐसा ही रहेगा इस रेसिपी में। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है, इसमें उबाल आने देंगे। अब मैंने यहाँ 250 ग्राम पालक ली है, पालक को बिल्कुल अच्छे से धो लिया है और उसको साफ़ कर लिया है। अब हम इनको उबलने देंगे, करीब करीब 3 मिनट हम इसे उबलने देंगे। तो ढक कर हम उबलने देते हैं, 3 मिनट ही उबालना, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो देखिए 3 मिनट हो गई हैं और पालक एकदम से अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, यह उबल गई है और आप कलर देख रहे होंगे एकदम ऐसा का ऐसा ही है। तो अब हम बिल्कुल कलर ऐसा का ऐसा ही रहे पालक का, तो उसके लिए क्या करेंगे, पालक के पत्तों को हम तुरंत बिल्कुल ठंडे पानी में, एकदम अगर आप बर्फ़ का पानी ले तो बहुत ही बढ़िया होगा, तो हम ठंडे पानी में इसे निकाल देंगे, जिससे कलर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये मैंने ठंडे पानी में इसे निकाल दिया है, अब इसे साइड में रखेंगे, आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे, 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरे को अच्छे से चटकने देंगे। तो 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ अदरक और लहसुन लिया है, इसे भून लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है करीब करीब 3, इसे हम भून लेंगे, क्योंकि हम प्यूरी बनाएंगे तो सारी चीज़ें हम मोटी मोटी ही लेंगे। तो मैंने यहाँ 1 प्याज लिया है, जिसे मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे करीब करीब 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। टमाटर को सॉफ़्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट ढक कर पका लेते हैं। देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसकी प्यूरी बना लेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको पीस लेते हैं। और जो पालक के पत्ते बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, इन्हें भी हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये मैंने प्यूरी बना ली है टमाटर की और प्याज की, और साथ ही साथ मैंने पालक की भी प्यूरी बना ली है, और कलर एकदम ऐसा का ऐसा ही है। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ, साथ ही साथ 1 चम्मच घी, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो 1 चम्मच अब हल्दी पाउडर डाल लेंगे, और साथ ही साथ 1 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और मसाले जले नहीं, इसके लिए हम गैस को बिल्कुल लो रखेंगे, इसे पका लेंगे अच्छे से। और साथ ही साथ हम इसमें प्यूरी डाल लेंगे, और प्यूरी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ, या स्वाद अनुसार डाल लीजिए आप। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें पालक डाल देंगे। तो ये पालक को हमने पीस के रखा था, वो डाल देंगे, और बहुत ही प्यारा इसका कलर लग रहा है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप बर्फ़ के पानी में या बिल्कुल चिल्ड आप पानी लेंगे, उसमें अगर पालक डालेंगे तुरंत, तो बहुत ही प्यारा कलर इसका रहेगा। तो मिक्स कर लेंगे, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पका लेंगे करीब करीब 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसे ढककर पका लेते हैं करीब करीब 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से ये बन गया है।
अब मैं इसमें एक चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। मलाई बिल्कुल ऑप्शनल है, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम ली है। अगर आप चाहें तो घर की जो मलाई होती है दूध पे जो आती है वो ले सकती हैं। मलाई डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मलाई से बहुत ही अच्छा एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल लेंगे, तो मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें पनीर डाल लेते हैं, तो यहाँ मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। ये मैंने घर पे ही बनाया है, एकदम सॉफ्ट डेरी जैसा पनीर आप घर पे कैसे बनाएं उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होगा। अब इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 5 मिनट हो गई है, बहुत ही अच्छे से हमारा पालक पनीर बनकर तैयार हो गया है। देखिए आप देख पा रहे होंगे एकदम क्रीमी ये बना है और एकदम मुंह में घुल जाने वाला। देखिए अब हम थोड़ा सा पनीर इस पे ग्रेट करके डाल देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर आप घर पर बना सकते हैं। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म पालक पनीर एकदम तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ या नान के साथ, आपको जैसे पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर आप घर पर आसानी से बना पाइए और एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बताया है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।